नमस्कार दोस्तों, सिट्टाल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। सिट्टाल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज बात करते हैं जीएसटी जिसको बोलते हैं गुड सर्विस टैक्स। दोस्तों, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है, जैसे आप सभी को पता है। तो दोस्तों, जीएसटी पहले अलग अलग देशों में, यानी अलग अलग अपने इंडिया में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग अपना अपना टैक्स था, जिसे हम कहीं भी जाते थे तो मुझे राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को टैक्स चुकाने पड़ते थे। तो जब दोनों जब दोस्तों राज्य और जब देश एक है वन, इसलिए और राज्य और सभी तो अनेकों टैक्स हमें चुकाना पड़ता था, जिससे मुझे बहुत ही कठिनाइयाँ हम लोगों को पड़ती थी। इसलिए वन नेशन वन टैक्स, इसलिए एक देश और एक टैक्स बनाया गया कि जब एक ही देश में रहते हैं तो अलग अलग प्रकार के क्यों टैक्स दें। तो दोस्तों, इसी को बोलते हैं जीएसटी गुड सर्विसेज टैक्स, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को डिवाइड कर दिया गया है। तो जिसमें ये आता है सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स, वैट, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स और एंट्री टैक्स। दोस्तों, जीएसटी के अंदर इतने टैक्स लागू हुए हैं जिसकी परसेंटेज वैल्यू है ऑफर्स फोन अलाउड उसके लिए 6% है, और इनकोर्स मेडिकल्स 21% है, और कार पार्किंग के लिए 10% है, ऑफर पेट्रोल अलाउड 63% है। तो दोस्तों, मैक्सिमम जीएसटी 2 या 3% से लेकर 68% तक है। तो दोस्तों, कितने टाइप के जीएसटी हैं वो आपको बता दें। नॉन ईयर कमांडेड, ईयर कमांडेड और पार्टली एसी एंड पार्टली नॉन एसी, 5-star रेस्टोरेंट 6% और बैट 14.5% है। तो दोस्तों, चार्ट के अनुसार देख सकते हैं, जिसमें रिसीव टैक्स रेट 1 जुलाई जीएसटी काउंट मेट। तो दोस्तों, आप चित्र के अनुसार देख सकते हैं कहाँ कितना टैक्स लिया जा रहा है, किस प्राइस कितनी लग रही है। तो दोस्तों, ऑल इंडिया ऑफ जीएसटी अराउंड ऑफ वर्ल्ड, दोस्तों जीएसटी कहाँ कितनी ली जा रही है आप इस चित्र के अनुसार देख सकते हैं कि हर देश में कितनी है। सबसे ज़्यादा कनाडा में सबसे कम जीएसटी लग रही है, और सबसे ज़्यादा इंडिया में जीएसटी का चार्ट के अनुसार आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रांस है, उसके बाद यूके है, फिर यूक्रेन है, न्यूजीलैंड है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, वियतनाम है, सिंगापुर है, मलेशिया है। तो दोस्तों, नंबर एक पर है इंडिया, और लास्ट में है सबसे कम जीएसटी लगाने वाला देश है कनाडा। तो जीएसटी जो लगता है गुड सर्विस टैक्स, ये आपके परमानेंट, जिसके लिए आपको जीएसटी टैक्स भरने के लिए आपको, जिससे जिस व्यापारी की इनकम आए 20 लाख से अधिक हो और वह तब उसका टैक्स लगता है, और जिसकी आय 20 लाख से कम हो उसके लिए पैन नंबर लेना अनिवार्य नहीं है, यानी HLT क्या बोलते हैं 10 नंबर लेना अनिवार्य नहीं है। परमानेंट जीएसटी लेने के लिए आपका परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर होना अनिवार्य है। पैन नंबर से ही, जिसका फॉर्मेट आपको चित्र में दिखाया गया है, स्टेट कोड होगा, स्टेट कोड के बाद में अपना परमानेंट अकाउंट नंबर होगा, और उसके बाद में एंटिटी नंबर होगा, पैन होल्डर स्टेट होगा, उसके बाद अल्फाबेट क्या है उसका होगा, उसके बाद चेक सिग्नेचर डिजिट होगा। दोस्तों, तो ऐसे ही है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जीएसटी कुछ सबसे टैक्स गवर्नमेंट का हर पहले, इसलिए सभी टैक्स को हटा के एक ही टैक्स बना दिया गया है, जिससे हम लोगों को आसानी हो सके। तो दोस्तों, इसके बाद आता है, आपको दिखा दें वे बिल, जिससे जीएसटी कैसे भरी जाती है, जीएसटी कागज़ कैसे बनाया जाता है, या आप कहीं को टैक्स अपना माल भेजते हैं एक देश से दूसरे देश, या एक राज्य से दूसरे राज्य, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, तो उसके लिए ईवे बिल की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, इस चित्र के अनुसार दिखा दें आपको, ईवे बिल ऐसे ही होता है। दोस्तों, इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा कि ईवे बिल कैसे बनाया जाता है, या जैसे अपना माल बेचने के लिए कहाँ से आ रहा है, तो ईवे बिल जीएसटी के लिए होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, इसके लिए हम वीडियो अलग से बनाऊँगा, तो शायद उम्मीद है आप लोग जीएसटी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। तो दोस्तों, सिट्टाल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही नए अपडेट मैं और लाते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।